हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, हमने इसमें वाटर लिया है, और मैं क्या करती हूँ उसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देती हूँ। क्या इन आइस क्यूब्स को थ्रेड की हेल्प से लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो? नहीं। ठीक है, उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं इसका चीज़ें जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग थ्रेड डिप कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम इस थ्रेड की हेल्प से इन आइस क्यूब्स को उठा सकते हैं। चलिए, इसे क्या करिए, आप साल्ट डाल दीजिए, डालो सॉल्ट डालो, ठीक है। तब तक हम इसका साइंटिफिक रीजन समझते हैं। आप क्या करोगे, सॉल्ट डाल के ना थ्रेड के ऊपर आप एक मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। अब इसे क्या होगा, जैसे ही आप सॉल्ट डालेंगे ना आइस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, जिससे कि आइस आपकी बैक हो जाएगी, राइट। लेकिन आइस के चारों का टेम्परेचर क्या है, कम है, इससे आइस फिर से जम जाएगी, ठीक है। बट उस बीच क्या होगा, जो थ्रेड होगा वो आइस क्यूब्स के अंदर जम जाएगा, और इसी कारण आप थ्रेड को इजिली उठा पाएंगे। अब देखते हैं रिजल्ट, ये देख सकते हैं बल्ब उठ गई। सो इसे कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, थ्रेड की हेल्प से बल्ब को उठा दिया, तो देख लिया ना आपने, ये आपने बल्ब को इजीली उठा दिया।